एडी बांध दिया है, एडी का ए वन डी वन क्या बांध दिया है और माध्यिकाएं होंगी तो BD बराबर BC होगा, B1 D1 बराबर वही प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ A1 D1 C इज इक्वल टू आएगा AD बाई A1 D1 का, देखने में आपको ऐसे लगेगा सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ, देखिएगा इसलिए से तुलना करिए ए वन बी वन सी वन इज इक्वल टू वन बाई टू बी सी इंटू ए डी के संगत भुजाओं के वर्गों के कर लिए उस तरह में यूज कर लिया, अब क्या करेंगे वही काम करेंगे इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को संगत करेंगे, कैसे करेंगे त्रिभुज एबीडी हुआ त्रिभुज ए वन बी वन डी वन में एंगल बी बराबर गिवन है यहां से सिमिलर और ए बी बाई ए वन बी वन इज इक्वल टू बी सी बाई बी वन सी, ये दोनों मिला के बनेगी एस ए एस, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ट्रिपल ए भी होगा ट्रिपल एस भी होगा और एस ए एस होगा जो जरूरत होगा, क्या लगा दो एस हो गई दो, इसको लिख सकते हैं टू बी डी, क्या आ गया आ गया ए बी बाई ए वन बी वन इज इक्वल टू बी डी बाई और बी इज इक्वल टू, अब इन दो ट्रायंगल ये इसके इक्वल इसका इसका रेशियो इसके इसके रेशियो बराबर, देन बाई एस एस ए बी डी सिमिलर होगा किसके ए वन बी वन बी वन, इसलिए बाई वन एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए वन बी वन सी वन इज इक्वल टू ठीक है ए बी बाई ए वन बी वन इज इक्वल टू ए डी बाई बाई थ्योरम, कौन सा थ्योरम थे कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, इसको लिए बाकी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो साइड्स का रेशियो माध्य कर दिया ठीक बिल्कुल सिमिलर होगा, अगर इसी त्रिभुज की बात करें याद तो हो गया माध्यिका की बात माध्यिका हो गई, अब इसकी अगर बात क्लियर इस यही पहले अधिद्रुव था अब वही क्या बन गई माध्यिका बन गई, अब अगर यहां बात करें
AD या A1 D1 नेक्स्ट टू द AD या A1 D1 क्या है कोणार्धक है एंगल बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर अगर होंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे और ये एंगल और ये एंगल थोड़ा था यही रहे यहां तक यही रहे चेंज क्या हो देखिए बाई थ्योरम फिर एबीडी और A1 B1 D1 इन दो पैटर्न्स कोण A बराबर A1 तो A बाय 2 बराबर A1 बाय 2 बोलो अगर A के बराबर A1 बराबर है तो उसका हाफ A बाय 2 बराबर किसके बाद A1 बाय 2 इसको लिख सकते हो ABD इज इक्वल टू A1 B1 D1 बोलो देखो लो पूरा एंगल A बराबर A1 के तो A का हाफ ये इसके बराबर देखिए कोण B इज इक्वल टू क्या होगा दो चीजें आ गई देख लीजिए देन बाई ए सिमिलरिटी क्या आएगा बाई ए सिमिलरिटी ए बी डी सिमिलर होगा A1 B1 D1 और तब AB by A1 B1 is equal to आएगा AD by A1 B1 समीकरण एक से area of triangle ABC by area of triangle A1 B1 C1 is equal to AD by AD A1 B1 इस तरह से हमारे पास क्या है सिमिलर ट्रायंगल की संगत भुजाओं का अनुपात संगत शेष लंबों संगत कोणार्धक एंगल बाइसेक्टर संगत माध्यिकाओं के अनुपात में ये सारी थ्योरम आपकी लगभग लगभग हो गई एक लास्ट थ्योरम बची है
पाइथागोरस। स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप रिलेशन, किसी समकोण त्रिभुज में इन राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ perpendicular sides is equal to the square of hypotenuse। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। गिवन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, टू प्रूव एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस। इसमें यहां से प्रपेंडिकुलर बनाता हूं, ये ट्रायंगल चौरम है, ये ट्रायंगल सिमिलर होगा इसके। हम जानते हैं एडीबी ए ए कॉमन है, ए ए ए डी बी सिमिलर है किसके, ए बी सी। तो ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई cos मल्टीप्लाई कर दो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया AD इनटू AC। सिमिलरली CDB सिमिलर होगा, CDB सिमिलर होगा CBA। तो CD by CB, BC by cos मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया डीसी इनटू एसी। इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन क्या आ गया एबी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी कॉमन हो गया, एडी प्लस डीसी और एडी प्लस डीसी मिलके क्या बनेगा कंप्लीट थ्योरम ऑफ द ट्रायंगल्स। एक बार सारे थ्योरम को रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने के बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। किसी थ्योरम में प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में मेंशन करिए, ठीक है।